अमागढ़ पर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा मीणा भगवान का ध्वज फहराने के बाद दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा भी सांसद किरोड़ीलाल के समर्थन में आ गए हैं। विधायक ने दौसा में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पूरा समाज यही चाहता था कि वहां पर मीन भगवान का ध्वज फहराया जाए, ऐसे में अब कोई विवाद नहीं रहा है। इसके लिए विधायक ने सांसद का धन्यवाद देते हुए सरकार से सांसद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए मांग की है। अब मुरारी लाल मीणा भी समर्थन में आ गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के। वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, वो हो गया, अब ठीक है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए डॉक्टर मीणा पर। आमागढ़ का विवाद, खुद डॉक्टर मुरारी लाल मीणा भी समर्थन में आ गए हैं किरोड़ी लाल मीणा के। अब डॉक्टर मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के, अब वो पक्ष में आ गए हैं, समर्थन में आ गए हैं बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के। यह आमागढ़ का प्रकरण 15-20 रोज से चल रहा था और आज सुबह जैसा हमें पता लगा मीडिया के माध्यम से, जो सब चाह रहे थे वो काम हो गया। सब चाह रहे थे कि हमारा जो रियासतकालीन ध्वज था वो वहाँ फहराना चाहिए। इसके इस ध्वज को लेकर के समाज में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था और आज वो ध्वज सुबह फहरा दिए गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ध्वज फहराते फहराते सारा का सारा झगड़ा ही समाप्त हो गया। अब आगे जो रही कार्रवाई, जब हमारा झगड़ा ही समाप्त होगा तो डॉक्टर साहब के ऊपर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुरारी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई उन पर नहीं होनी चाहिए, ध्वज फहराने का ये पूरा मसला है। दौसा विधायक मुरारी लाल ने धन्यवाद दिया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का और वो पक्ष में साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्वज फहराने के बाद अब नहीं बचा कोई विवाद, ध्वज को उतारने का विवाद था, उतारने को लेकर मीणा समुदाय ने गुस्सा जाहिर भी किया था। अब चूंकि ध्वज को फिर से वहां पर फहरा दिया गया तो फिर गुस्सा बचता ही नहीं है, नाराजगी खत्म हो गई है।